हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एवन क्लासेज फ्रॉम बिहार शरीफ। चलिए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका लेखक थे कौन? जॉन्डन। तो जान रहे थे हम लोग जॉन्डन के बारे में। तो हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में जाने थे जॉन्डन का जन्म कब हुआ था, और जॉन्डन पढ़ रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उन्हें बिना किसी डिग्री के उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनके धर्म के कारण निकाल दिया गया था। तो आगे जानते हैं कि जब उन्हें निकाल दिया गया तो उनके साथ क्या घटना घटी। तो क्या हुआ छोटू, जब जॉन्डन साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया तो वह बेचारे सोच में डूब गए, पागल हो गए, बेचैन हो गए कि अपनी समस्या किसको सुनाए, मुझ पर कौन विश्वास करेगा कि मुझे धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। तो क्या हुआ, इसके बीच जॉन्डन साहेब आ रहे थे और आते आते उन्होंने कुछ रास्ते में सोचे, और सोचते हुए वह जा रहे थे, और जाते जाते उनके मन में विचार सूझा कि कहीं हम क्यों ना रेंट ले ले और रेंट लेकर रह जाएं। रेंट का मतलब होता है किराया। तो उन्होंने क्या किए कि कुछ सोच समझ कर कि घर वालों से बचने के लिए वह एक स्थान पर एक मकान में किराए लेकर रहने लगे, और किराए लेकर रहने लगे, और जो किराया दिए थे उन्हें हम लोग बोलते हैं पैट्रॉन। क्या बोलते हैं? पैट्रॉन। पैट्रॉन का मतलब होता है छोटू आश्रय दाता, यानी जो हमें रहने के लिए घर देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं आश्रय दाता, यानी मकान मालिक। तो पैट्रॉन के यहाँ रहने लगे, और उनकी एक भतीजी थी एनमोर। कौन थी? एनमोर। और रेंट पर किराए लेकर रहने लगे कौन? जॉन्डन। कौन रहने लगे? जॉन्डन। तो क्या हुआ, अपने पैट्रॉन के यहाँ रेंट लेकर रहने लगे जॉन्डन, और इनकी एक भतीजी थी जिसका नाम क्या है? एनमोर। और यहाँ भी ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि धीरे धीरे ये दोनों को मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद ये दोनों की दोस्ती हुई, और दोस्ती होते 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 धीरे 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 कहें दोनों में लव हो गए, यानी प्यार। तो एक दिन कहें कि गोरी चोरी छुपके मिला लव ठीक नहीं खे, बंजा जीवन भर के मीत चुप चुप के मिलल ठीक नहीं खे। तो क्या हुआ, दोनों में लव तो हो गया, और लव होने के बाद, प्यार होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेक रेटली मैरिंग। सेक्रेटली मैरिंग यानी लव से मैरिंग में बदल लिए, यानी शादी में बदल लिए। और सेक्रेटली का मतलब चोरी चोरी,
जैसे अभी हम आपको बताएं कि बोले गोरी अब चोरी चोरी मिलल अब ठीक नहीं के, बंजा जीवन भर के मीठ चुप चुप के मिलल ठीक नहीं के, और जिसके कारण इनके जो पैट्रॉन थे यानी जॉन्डन का जो पैट्रॉन थे आश्रयदाता थे, उन्होंने जाकर थाना में कंप्लेन कर दिए, और कंप्लेन करने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। तो जानिए कैसे लिखते हैं, जॉन्डन जॉन्डन बाज ब्रीफली टो बाज ब्रीफली टू सेंट टू प्रिजन जॉन्डन वाज सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नाइस एंड मोर एंड मोर एट द एज ऑफ 42 इन 1615। यानी कहने के मतलब कि जॉन्डन साहब को कुछ समय के लिए, ब्रीफली का मतलब होता है छोटू कुछ समय के लिए सेंट मतलब जाना या भेजना, सेक्रेटली चोरी चोरी छिपके छिपके, मैरिंग शादी किए, सेक्रेटली मैरिंग पैट्रॉन्स आश्रयदाता, नाइस भतीजी, एनमोर नाम है, 42 इन 1615। करा जॉन्डन को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा, जब शादी किए सेक्रेटली मैरिंग, किससे किए, एन मोर से, कितने वर्ष में किए, 42 वर्ष में, कब किए, 1615 ईस्वी में किए, यानी जॉन्डन साहब 42 वर्ष की आयु में शादी किए, किससे किए, एन मोर से। तो शादी करने के कारण उनको कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। जब जेल गए तो जेल तो गए लेकिन वापस कैसे आए, तो क्या हुआ, जॉन्डन के जो पैट्रॉन्स थे यानी आश्रयदाता थे, उन्होंने अपना कंप्लेन वापस लिए, सोचे जॉन्डन भी ठीक ठाक लड़का है, और वह मान गए, और उन्होंने अपना कंप्लेन को वापस लिए, और फिर जॉन्डन वापस आ गए, और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और देखिए आगे क्या होता है, ये फेमस कैसे हो गए, जो देखिए। यानी जब जॉन्डन साहब आए तो फेमस कैसे हुए, यानी जॉन डन बाद बेल नोन
फोर सॉन्ग्स एंड सोनेट। यानी जॉनन तो आप जानते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट थे, उसके अलावा यह सॉन्ग्स भी लिखते थे और सोनेट भी लिखते थे। यानी वेल नोन का मतलब प्रसिद्ध, यानी प्रसिद्ध हो गए। जॉनन साहेब जेल से छूटकर आए तो प्रसिद्ध हो गए। वह लिखते थे सॉन्ग्स एंड सोनेट। सॉन्ग्स का मतलब तो आप जानते हैं गाना या गीत, लेकिन सोनेट नहीं जानते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं आपको सोनेट क्या है। यानी 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। यदि किसी कविता में 14 लाइन होती है तो उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। एग्जाम में हमें आता है कि सोनेट हैज खाली स्थान लाइन्स, तो कितने लाइन? 14 लाइन्स। यानी 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। यानी सोनेट में कितने लाइन? 14 लाइन। और सोनेट को 2 भागों में बांटा गया। एक पहला फर्स्ट स्टंजा और दूसरा सेकेंड स्टंजा। सोनेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला फर्स्ट स्टंजा, दूसरा सेकेंड स्टंजा। और फर्स्ट स्टंजा जो होती है 8 लाइन की, और सेकेंड स्टंजा जो होती है 6 लाइन्स की। तो स्वे टेस्ट लवाई डूनोट का जो पोयम है, जो लाइन है स्टंजा है, लगभग जो अस्टंजा है 8 लाइन की, और 8 लाइन की अस्टंजा को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन की अस्टंजा को हम लोग बोलते हैं सेस्टेट। क्या बोलेंगे? सेस्टेट। इससे भी ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में आते हैं कि सोनेट में कितने लाइन? 14 लाइन। 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। सोनेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में, पहला फर्स्ट अस्टंजा, दूसरा सेकेंड अस्टंजा। फर्स्ट अस्टंजा कितने लाइन की? 8 लाइन की, और सेकेंड अस्टंजा 6 लाइन की। 8 लाइन के अस्टंजा को क्या बोलेंगे? ऑक्टेव। और 6 लाइन के अस्टंजा को क्या बोलेंगे? सेस्टेट। और इसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं हम, ऑक्टेव में कितने लाइन? 8 लाइन। सेस्टेट में कितने लाइन? 6 लाइन होती है। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में कुछ। यानी जॉनडन केवल यह ही नहीं लिखते थे, सॉन्ग्स एंड सोनेट के अलावे कुछ और भी लिखते थे। आगे जानते हैं कि क्या लिखते थे। ही also writes a satire sermons and एलगीज। देखिए, उन्होंने सॉन्ग्स एंड सोनेट के अलावे लिखते थे अस्टायर। आप लोग अस्टायर का नाम नहीं सुने होंगे। अस्टायर का मतलब होता है कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब होता है पर हसन। अब समझ गए होंगे, जो हम बोलते हैं और जिसमें आप हंस जाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग अस्टायर, यानी कॉमेडी, यानी पर हसन। सेरमॉन्स यानी
पर वचन बेसी बातों जो हम सही बोले लेकिन आपको सुनने में तकलीफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रवचन। जैसे हम बोले कि 2 घंटा पढ़िए, डरिए नहीं तो कहिएगा कि हाँ जो 2 घंटा पढ़ते तो आप यहाँ रहते। इलगीज, इलगीज का मतलब होता है शोक गीत, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं निर्गुण। तो वह प्रसिद्ध थे सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए। और इसके अलावा वह लिखते थे स्टायर यानी कॉमेडी, कॉमेडी मतलब प्रहसन। इसके अलावा शेरमोन लिखते थे और उसके अलावा लिखते थे इलगीज। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। ही डाइड ऑन, ही डाइड ऑन 31 मार्च मीन इन 1631 इन लंदन इंग्लैंड। इंग्लैंड फ्रॉम स्टोमैक कैंसर एट द एज ऑफ 59 कह रहा है कि जॉन्डन का मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी में स्टोमक कैंसर यानी पेट में कैंसर। स्टोमक का मतलब होता है पेट और कैंसर का मतलब होता है कैंसर। तो कह रहा है स्टोमक कैंसर के कारण जॉन्डन साहब का मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी में लंदन में हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 59 वर्ष की आयु में हो गई।